सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को दी महावीर जयंती की शुभकामनाएं और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा। नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी चौधरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महावीर जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और बधाइयां दी है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में भगवान महावीर के आदर्शों और सिद्धांतों को मानव कल्याण के लिए प्रासंगिक बताया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भगवान महावीर ने सत्य, अहिंसा और करुणा जैसे नैतिक मूल्यों को स्थापित किया। उनके संदेश विश्व शांति के लिए बहुमूल्य मंत्र है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भगवान महावीर के आदर्शों को आत्मसात कर प्रदेश की समृद्धि और विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया है। बुधनी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की लोकसभा क्षेत्र प्रतिनिधि सुषमा स्वराज ने ग्राम जहाजपुरा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में विकास कार्य भाजपा के शासनकाल में तेजी से हुए हैं और इन विकास कार्यों को भाजपा की सरकार ने कराया है। इसमें शिवराज सरकार का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में बुधनी विधानसभा क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसको विधायक, मुख्यमंत्री और सांसद नेता प्रतिपक्ष के रूप में मिला है। नेता प्रतिपक्ष रहते कई महत्वपूर्ण कार्य कराए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य बुधनी विधानसभा क्षेत्र के लिए बुधनी इंदौर नई रेल लाइन की स्वीकृति है। यूं तो विकास कार्य और विधानसभा क्षेत्र का सम्मान बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। दोनों नेताओं ने इस आशय के विचार व्यक्त किए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जयदीप गोविंद भोपाल लोकसभा क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक अश्विनी कुमार और व्यय प्रेक्षक अजय कुमार मिश्रा ने आज सीहोर में लोकसभा निर्वाचन 2014 के लिए जिला प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने आरएके कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम का भी अवलोकन किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जयदीप गोविंद ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समस्त नोडल अधिकारी और सेक्टर अधिकारी की बैठक में ईवीएम मतदाता पर्ची वितरण, स्वीप प्लान, पुलिस बल की व्यवस्था, ट्रेनिंग, व्यय मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि जिले में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार संपूर्ण कार्य पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 16वीं लोकसभा के लिए होने जा रहे चुनाव का दूसरा चरण 17 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण में 10 संसदीय क्षेत्र मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना सागर, टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, भोपाल और राजगढ़ में 1,67,12,806 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 89,95,733, महिला मतदाताओं की संख्या 77,16,647 और अन्य मतदाताओं की संख्या 426 है। इसके अलावा 9,357 सर्विस वोट और 3 एनआरआई वोट भी है। प्रदेश में महाजनवरी 2014 से 14 मार्च 2014 के दौरान हुई ओलावृष्टि, असामयिक वर्षा से फसल क्षति के लिए आवंटन जारी करने और प्रभावितों को राहत राशि वितरण की कार्य योजना में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य शासन द्वारा एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लागू किया गया है। राजस्व आयुक्त ने इस संबंध में प्रदेश के आपदा प्रभावित संबंधित सभी 49 जिले के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे फील्ड सर्वेक्षण के आधार पर प्रभावित ग्रामों के ग्रामवार प्रकरण तैयार करवाकर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के निर्धारित मापदंड के अनुसार प्रभावितों को फसल क्षति की राहत राशि स्वीकृत कर निर्धारित अवधि में वितरित करवाए। इसके लिए अतिरिक्त राहत राशि की मांग संबंधी जानकारी निर्धारित प्रारूप में संबंधित कलेक्टर के हस्ताक्षर के बाद पीडीएफ फॉर्मेट में राहत आयुक्त के ईमेल पर तत्काल भेजने के निर्देश दिए गए हैं। आयुक्त ने निर्देशित किया है कि फील्ड सर्वेक्षण और फसल क्षति का आकलन करने और राहत प्रकरण तैयार करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति राहत राशि पाने से वंचित न रहे और किसी अपात्र को राहत राशि स्वीकृत न हो। एमपी लाइव में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए emstv.in के साथ। नमस्कार।